ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर ली जाए, बहुत नुक्ते की बात है कि अगर आप बिदात कर रहे हैं, अगर आप कुफ्र कर रहे हैं, अगर आप शिर्क कर रहे हैं, तो आप मुशरिक हैं, आप काफिर हैं, आप बिदाती हैं, चाहे आपका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ही क्यों ना हो और आप मुस्लिम घराने में पैदा ही क्यों ना हुए हो। और अगर किसी आदमी के अंदर वो सिफात मौजूद है जो सिफात मुत्तकीन और मोमिनीन का तुर्रे इम्तियाज है और निशाने इम्तियाज है, वो आदमी मोमिन है, मुस्लिम है, चाहे अपने आप को कुछ भी कहे। यहां तक कि अगर अपने आप को वो यहूदी बोलता है, अपने आप को नसरानी बोलता है, अपने आप को कोई और नाम दे लेता है, तो कुरान हकीम कहता है नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, आदमी का अमल बताता है कि वो क्या है। अगर अकीदा उसका वही है, सिफात उसकी वही है जो मोमिनीन की और मुत्तकीन की है, तो वो आदमी मुत्तकी और मोमिन है, नाम कुछ भी रख ले, नाम से कुछ नहीं होता। दलील अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो यहूदी हैं, वो लोग जो नसरानी हैं, वो लोग जो साबेई हैं, अपना नाम कुछ भी रख ले वो, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, मुत्तकीन का और मोमिनीन का। शिर्क नहीं करते, बिदात नहीं करते, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके हुकूक में शरीक नहीं करते किसी को, रसूल पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी रसूल को आखिरी रसूल मानते हैं, और उनका यह अकीदा कि कयामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं और आपकी शरीयत ही हुज्जत है, आपके अलावा जितने अंबिया किराम आए वो सब बरहक थे, लेकिन आपकी शरीयत के आ जाने के बाद तमाम शरीयतें मंसूख हो गई, अब वो हुज्जत नहीं है। अगर ये अकीदा रखता है और रसूल की इत्तेबा करता है और वो सिफात अपने अंदर लाता है जो सिफात कुरान में बयान हुई है, वो सिफात अपने अंदर लाता है जो हदीस में बयान हुई, तो अपने आप को यहूदी भी अगर कहे, अपने आप को नसरानी भी कहे, अपने आप को साबी भी कहे, नाम से कुछ नहीं होता है, बल्कि वो आदमी दर हकीकत मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जन्नती। ये मतलब है इस आयत करीमा का, और इस आयत करीमा से न जाने क्या क्या मतलब लोगों ने निकाल लिया कि यहूदी अगर अपने शरीयत के ऊपर अमल करे तभी जन्नती है, साबई अपनी शरीयत के ऊपर अमल करे तभी जन्नती है। गलत मतलब ले लिया गया कि तमाम अदियान बराबर है, ये मतलब ले लिया गया इस आयत करीमा से, हालांकि ये मतलब उस आयत करीमा का नहीं है। इस आयत करीमा से वहदत अदियान का जो फलसफा तराशा गया है वो हदत अदियान का कि तमाम दीन एक है और तमाम दीन की मंजिल एक है, वो हदत अदियान का फलसफा तराशना इस आयत करीमा से बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद तस्वूर है। बल्कि जो मैंने मतलब बताया आयत करीमा का मतलब वो है कि अगर आपके अंदर सिफात वो मौजूद है जो कुरान ने बताई है, आपके अंदर वो सिफात मौजूद है जो हदीस में मौजूद है, तो आप नाम कुछ भी रख लो, नाम से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका मनहज सही होना चाहिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तमाम तकाजों पर अमल कर रहे हो, ना कुछ भी रख लीजिए, नाम से कुछ भी नहीं होगा। और हजरत अबू हुरैरा से मरवी मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत यही बात बताती है, रिवायत इस तरह है वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم। حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا نہ دیکھے گا, دنیا میں بھی نہیں دیکھتا, قیامت میں بھی نہیں دیکھے گا, کیا دیکھے گا وہ اور کیا دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے, تمہارا دل اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو ماننے کے لیے تیار ہے اور تمہارے اعمال اس جیسے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر فیصلہ کرے گا, تمہارے اعمال کے اوپر فیصلہ کرے گا,
तुम अपने आप को अहले हदीस बोल लो, तुम अपने आप को हनफी कह लो, तुम अपने आप को शाफई कह लो, तुम अपने आप को कोई भी नाम दे लो, मनहज होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खाली नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, मनहज सही होना चाहिए, तरीके का सही होना चाहिए,